वेलकम टू माई चैनल। अज असी बाजरे की रोटी बना जा रहे हैं। बाजरे की रोटी जिहड़ी हुंदी है बहुत ज़्यादा टेस्टी हुंदी है और इहदे विच फाइबर बहुत हुंदा, आयरन हुंदा है, प्रोटीन हुंदा है। पुराने समय दे विच बाजरे की रोटी जिहड़ी है आम तौर पर खाई जाती सी। हुण तां कोई खास रवाज नहीं हैगा, हुण असी सिर्फ कणक की खाने हैं जां कुछ होर मल्टीग्रेन आटा जिहड़ा हुण चल रहा है, पर बाजरे की जिहड़ी रोटी है स्पैशल बजुर्ग साडे जिहड़े आ खांदे हुंदे सी, उहनां दी इह डिमांड हुंदी सी कि बाजरे की रोटी खानी है। ये फाइबर वगैरह बहुत ज़्यादा होंदा है, ये बच्चों के मानसिक तो शरीरक विकास लिए भी बहुत ज़्यादा वधिया है और बेनीफिशियल बहुत ज़्यादा है सारे लिए। छोटे बच्चों तो लैके बजुर्ग तक ये जो आटा आ सारे लिए बहुत वधिया ये रहिंदा है। सेहतमंद जिहड़ा आ आपां जिहड़ा रहना होवे तां इस तरह के आटे जिहड़े हैगे आ उन्हां दा कुछ ना कुछ बना के जां रोटी बना के खा लेनी चाहीदी है। मैं बाजरे का आटा ले लिया है, मैं परेथन भी बाजरे का ही लाऊंगी। हुण मैं पहला इन्हां गिला करके रख लवां 2-3 मिनट लई। ये सिर्फ बाजरे का आटा है, ये कोई होर मिक्स नहीं मैं किया, कुछ भी मिक्स नहीं है, सिर्फ बाजरे का आटा लिया है मैं। और ये फुल जावे ये मैं पानी पा लूँगी, जिन्ना मैं आटा लिया है उस तो थोड़ा जहा पानी पाऊँगी। अद्धा देखो मैं हाफ जिहड़ा पानी पा लूँगी तो इनू जिहड़ा आ मिक्स कर लूँगी। हाँ जी, पानी पा के इनू मिक्स करके 5 मिनट लिए मैं छड़ दूंगी कि ये थोड़ा जहा फुल जाए, फिर आप इसनों गुन लवेंगे आटे वाग, तो पानी पा के इसनों 5 मिनट लिए इस तरह छड़ दूंगी। 5 मिंट हो चुके हैं, हुण मैं इनू होर पानी पा के अच्छी तरीके नाल गुन लूँगी। हाँ जी देखो इस तरह असी इस आटे नूं गुन के तैयार करांगे। थोड़ा जिहा गुज चुकिया है आटा, हुण असी इहदे विच नमक और अजवाइन थोड़ी जी मिक्स कर लांगे। हाँ जी, 1 पिंच के बराबर मैं नमक पा लूँगी, 1 पिंच ही मैं अजवाइन पाऊँगी और फिर इनू अच्छी तरह मैं गुन लूँगी। ये रोटी जिहड़ी आ बहुत ज़्यादा वधिया रहिंदी आ, इहदे विच फाइबर बहुत ज़्यादा हुंदा आ। तुसीं वी इस तरह बाजरे की रोटी तैयार करके खाओ। हाँ जी, आटा असीं गुन के तैयार कर लिया आ, 2 मिनट इहनूं इस तरह छड़ देवांगे तां कि सैट हो सके। हाँ जी, 2 मिनट तो बाद असीं इहनूं थोड़ा जिहा मसल लवांगे। हाँ जी, असी इहदा गोल गोल पेड़ा बना लेना है। हाँ जी, इस तरह पेड़ा बना लिया है। हुण असी इहनूं परेथन लगा के हल्का हल्का दबा के इहनूं असी वेल लवांगे। हाँ जी, रोटी असी वेल ली आ, हुण असी इहनूं तवे ते पा के इहनूं पका लांगे। इसे तरीके असी दूसरी रोटी जिहड़ी आ उहनूं वी वेल के तैयार कर लांगे। हाँ जी, हुण इस रोटी दा असी दूसरी साइड करके सेक लांगे। लास्ट विच असी इहदे ते घिओ लगा के उतार लांगे इहनूं, क्योंकि खुश्क हुंदी है थोड़ी जिही, घिओ तुसीं इहदे ते जिन्ना मर्जी लगा सकते हैं। अगर तुहानूं ज़्यादा पसंद है तुसीं ज़्यादा घिओ लगा के भी खा सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद हुंदी है। सर्दियों के विच ये रोटी ज़्यादा खाई जाती है क्योंकि इहदी तसीर जिहड़ी आ गर्म हुंदी आ। हुण असी दूसरी रोटी भी इसे तरीके पका लांगे। हाँ जी, दूसरी रोटी भी तुसी इसे तरीके पका के तैयार कर लो। तुसी इस रोटी नू जिहड़ी भी मर्जी सब्जी नाल खा सकते हैं, जो भी तुहानूं मनपसंद सब्जी लग रही है उहदे नाल तुसी खा लो। ये रोटी खाण विच बहुत ज़्यादा टेस्टी हुंदी है, इहदे विच प्रोटीन बहुत हुंदा है, मतलब कि ऑल ओवर यह रोटी जिहड़ी हुंदी है इहदे विच बहुत ज़्यादा फायदेमंद चीज़ां हुंदियां हैं। हाँ जी, तुसी इहनूं घिओ लगा के तैयार कर लो। असी इस रोटी नूं भी उतार लांगे। हाँ जी,
असी इनू अचार नाल सर्व कर रहे हैं। तुसी भी मेरे तरीके नाल रोटी बनाओ, खाओ, हेल्दी रहो। मैनू कमेंट करके दसो रोटी तुहाडी किस तरह की बनी। हुण मैं तुहानू टेस्ट करके दसदी हाँ। हाँ जी, रोटी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है, अलग स्वाद इस रोटी चो आ रहा है। तुसी इस तरह खाओ, बनाओ। थैंक यू।